hello hello one two four one two four? four hello 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 one two four one two four hello 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 one two four one two four hello 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 one two four one two four okay hello 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 one two four one two four हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर प्रमोद में बच्चों हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं कोस्टिंग का बूस्टर बैच और इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं जरा मैं वो आपको बताता हूं कोस्टिंग बूस्टर बैच के अंदर हमने जितने भी चैप्टर्स हैं वो स्प्लिट कर दिए हैं बूस्टर बैच के अंदर क्या रहता है जो बच्चे होते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एग्जाम टाइम में आखिर वो रिविजन करें तो कैसे करें रिविजन के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो कैसे करें क्योंकि आठ सौ क्वेश्चन उनके सामने है तो उन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन रिवाइज करके जाएं तो बूस्टर बैच के अंदर हम जितना भी कंसेप्ट होता है अगर बच्चा खुद से उठा के पढ़े तो उसको एक एक चैप्टर करने में एक एक दो दो दिन लगते हैं और उसको रिकॉल भी नहीं होता कुछ उसको लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूँ तो बूस्टर बैच का, का काम है एग्जाम से पहले आपको ए टू जेड सारी चीज को रिवाइज करना सारी चीज को रिकॉल करवाना और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा देना जिनके अंदर ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट आ जाती हैं तो यहाँ पर मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं इन क्वेश्चन के अलावा आपको लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चन आपको करने चाहिए इंपॉर्टेंट तो वो आप कर सकते हैं बाकी यहाँ पर जितने भी एडजस्टमेंट हमारे पास आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है वो सारे एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं तो हम लोग का जो बूस्टर बैच है उसके लिए मैंने अब ये किया है कि हम हमारा जो सेशन चलेगा वो दो टाइम पे चलेगा अभी तो आज थोड़ा सा लेट हो गए हम तो हमारा जो सेशन चलेगा वो इस तरह से चलेगा मॉर्निंग टेन ए एम एक लेक्चर चला करेगा ये दो से तीन घंटे के बीच में रहेगा और एक सिक्स पी पे चला करेगा डेली आज हमारे पास तारीख हो गई आठ तो एट अप्रैल ट्वेंटी फोर यहाँ पर हम करने वाले हैं आज हम स्टैंडर्ड करेंगे और स्टैंडर्ड के बाद एक ब्रेक लेंगे और साथ में मार्जिनल भी करेंगे तो हम पहले वो चैप्टर्स करेंगे जो थोड़े से लेंदी लगते हैं इवनिंग के अंदर हम लोग प्रोसेस एंड ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट को खत्म करेंगे ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट तो दो-दो चैप्टर हम हर सेशन में खत्म करते जाएंगे टोटल हमारे पास 15 चैप्टर हैं तो हमारा करीब 6 से सात सेशन के बीच में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप आराम से इसको करिए एंजॉय करिए ये बूस्टर बैच से क्या सर हमें फायदा होगा यानी 100 इन 1% फायदा होगा एफएम का बूस्टर भी 3 डेज में पूरा कंप्लीट करवाया है कोस्टिंग के बूस्टर का टारगेट है हमारा कि चार दिन में हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे बिल्कुल आराम से चलेगा आराम से चीजें समझाई जाएंगी सारी चीजें आपको जितनी भी आप भूले हुए रिकॉल आपको हो जाएगा चैप्टर उठाने में आपको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं लगेगा किसी का कोई पॉइंट है तो अभी बता दीजिए क्योंकि अभी हम लोग जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने के बाद में हम लोग लाइव चैट को ऑफ कर देंगे जिससे बच्चों का डिस्टर्बेंस ना हो वरना चैट में ना बच्चे बच्चों का दिमाग थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट होता रहता है हाँ जी किसी बच्चे का कोई पॉइंट है तो वो बता दीजिए उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे स्टैंडर्ड पोस्टिंग की शुरुआत करेंगे और जितने भी बच्चे हैं लाइक बटन को ठोक दीजिए जिससे पढ़ाने का मोटिवेशन हमारा बढ़ता चला जाए बूस्टर से पास हो जाएंगे हम सर बिल्कुल अगर रिवीजन आपका पूरा पहले पड़ा हुआ है तो इसके रिवीजन से आपको बिल्कुल फायदा मिलने वाला है और नंबर अगर आपके आने हैं तो साठ चालीस आने हैं तो अस्सी डबल का फर्क सीधा सीधा पड़ जाता है हाँ किसी के साठ आने हैं तो उसके बीस नहीं बनेंगे साठ वाले की 90 के भी अस्सी नब्बे के आसपास पहुंच जाएंगे जी एक बच्चा पूछ रहे हैं एस एम का बूस्टर पोस्टिंग का बूस्टर खत्म होने के बाद एस एम का बूस्टर भी आएगा वो तीन चार घंटे की एक प्रॉपर पूरी वीडियो आएगी उसके अंदर सारे के सारे पूरा एस एम रिवाइज करवा देंगे ठीक है तो हम लोग अपना चालू करते हैं लाइव चैट ऑफ कर रहा हूं मैं ओके okay, जी आ जाइए हमारे पास जो सबसे पहले चैप्टर हमने उठाया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसको बच्चा सबसे लास्ट में उठाना चाहता है और कई बच्चे इसको छोड़ भी जाते हैं बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है इसके अंदर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपके पास रहता क्या है हम लोग ईयर के स्टार्टिंग में जैसे हमारा कोई भी साल है उस साल के स्टार्टिंग में या किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग में हम लोग एक बजट बनाते हैं कि हम इस साल क्या करने वाले हैं और हम अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं लेट से कैलकुलेटर तो आप लोग कैलकुलेटर बनाते हैं तो आप इसको बनाने की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट तय करेंगे तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है यहां पर अब हमने पीरियड के स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसके बाद में ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है यहां पर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है यानी जो बजट हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और जो सेट स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से हम कॉस्ट को लाने की कोशिश करते हैं पर उस कॉस्ट में तब भी कुछ फर्क आ जाता है यहाँ पर हमारी एक्चुअल कॉस्ट लगती है इसके बाद में ईयर एंड पर अगर हम बात करें यहाँ पर मैं बात करता हूँ ईयर एंड पर हम ये देखते हैं कि भाई जो सेट स्टैंडर्ड थे और जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें कोई फर्क तो नहीं है इस फर्क को बोला गया है वेरियंस वेरियंस यानी डिफरेंस डिफरेंसिज कोई डिफरेंसिज तो नहीं है इसके बाद में डिफरेंस क्यों आए उसका रीजन ढूंढा जाता है और एक अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है तो डिफरेंस क्यों आया वेरियंस क्यों आया ये हमारे सिलेबस में नहीं है उसके लिए क्या एक्शन लेना है वो हमारे सिलेबस में नहीं है हमें सिर्फ वेरियंस कर बताना है सीए इंटरमीडिएट कहता है कि आप सिर्फ वेरियंस निकाल के बताओ कि डिफरेंस अगर आपको कुछ दिख रहा है तो डिफरेंस आप बता दो ठीक है तो हम यहां पर डिफरेंस निकाल कर बताएंगे डिफरेंस दो तरीके का हो सकता है या तो आपके फायदे में या तो फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा फायदे में होगा तो हम फेवरेबल एफ लिखेंगे नुकसान पहुंचाएगा तो हम एडवर्स का ए लिखेंगे तो ए लिखा जाएगा एडवर्स के लिए फेवरेबल के लिए एफ लिखा जाएगा फायदा कब होगा फायदा तब होगा जब आपकी कॉस्ट सेट स्टैंडर्ड से कम लगी हो नुकसान कब होगा जब सेट स्टैंडर्ड से आपकी कॉस्ट ज्यादा लगी हो तो अब अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कॉस्ट क्या लगती है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में आपके पास आएगा सबसे पहले मेटेरियल कॉस्ट के भी मेटेरियल कॉस्ट लगती है एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट लगती है इसके बाद में हम कहते हैं कि हमारे ओवरहेड्स लगते हैं जो दो तरीके के हो सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे सिलेबस में इन्हीं चारों के वेरिएंस निकालना है वेरिएंस निकालने की बात की जाए तो बड़ा सिंपल सा रहेगा कि मेटेरियल कॉस्ट एज पर सेट स्टैंडर्ड जितनी लगनी चाहिए थी उतनी लगी है उससे ज्यादा लगी फिर आएगा लेबर कि लेबर कॉस्ट जितनी लगनी चाहिए थी उतनी ही लगी है उससे ज्यादा लगी फिर आएगा वेरिएबल ओवरहेड जितने लगने चाहिए थे उतने ही लगे या फिर उससे ज्यादा लगे और देन फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा अगर हम इसको देखें तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर हमारे पास रीजंस ढूंढे जाएंगे कि वेरिएंस क्यों आ रहा है तो यहां पर हम लोग जो वेरिएंस देखते हैं उसमें हमारे पास आता है मेटेरियल यूसेज वेरियंस यानी कंजम्पशन से रिलेटेड वेरियंस और दूसरा मेटेरियल प्राइस वेरियंस यूसेज के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा नॉर्मल लॉस एब लॉस के रेशो बदलने की वजह से जो वेरियंस आया है उसे ईर्ड बोलते हैं और उसके बाद में हमारे पास एक आता है मिक्स वेरियंस ये वेरियंस किस तरह से चलेंगे जैसे प्राइस वेरियंस है तो जो भी स्टैंडर्ड प्राइस मेटेरियल का था अगर आपने उससे महंगा खरीदा है तो प्राइस वेरियंस एडवर्स हो जाएगा अगर सेट प्राइस से आपने सस्ता खरीदा है तो आपका प्राइस वेरियंस फेवरेबल हो जाएगा फिर आपके पास आता है मिक्स मिक्स तब आएगा जब एक से ज्यादा मटेरियल हो तो हमें जैसे कैलकुलेटर बनाना है तो इसमें कुछ प्लास्टिक लगेगा कुछ इसमें लोहे के पार्ट लगेंगे कुछ इसमें ग्लास लगेगा तो जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है मिक्स सेट किया जाता है जैसे अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय में आपने तय किया कि आधा कप दूध और आधा कप पानी मिलाएंगे आप ठीक है जी अब इसके अंदर ये दो मटेरियल हो गए चीनी पत्ती बाकी सब छोड़ दिया मैंने तो दूध महंगा है पानी सस्ता है अगर आपका आरू वगैरह का पानी है जो कॉमर्शियल पानी आता है कॉमर्शियल पानी पेड होता है और हमारे पास घरों में तो फ्री का होता है एक तरीके से पानी तो पानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में फ्री नहीं है तो अब मान लीजिए मिल्क है सत्तर रुपए लीटर और पानी है दस रुपए लीटर अब अगर आप दूध की क्वांटिटी को बढ़ा दोगे यहां पर अभी फिफ्टी फिफ्टी का रेशियो है मान लो आपने दूध सिक्सटी परसेंट डाला और पानी फोर्टी परसेंट तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ये एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा मिक्स का और अगर आपने रिवर्स कर दिया कि दूध यानी महंगा मटेरियल कम कर दिया और सस्ता मटेरियल बढ़ा दिया तो आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो ये फेवरेबल चला जाएगा तो प्राइस के अंदर प्राइस बढ़ने की वजह से वेरियंस या प्राइस कम होने की वजह से वेरियंस वेरियंस फेवरेबल और एडवर्स दोनों हो सकते हैं प्राइस बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है ऐसे ही मिक्स के लिए वेरिएंस मिक्स में अगर महंगे मटेरियल ज्यादा लगेंगे तो आपका वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा और अगर कम लगेंगे तो फेवरेबल हो जाएगा फिर हमारे पास आता है वेरिएंस वेरिएंस बेसिकली ये जो आपकी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है इसके इनपुट आउटपुट रेशो को शो करता है इनपुट आउटपुट तो आउटपुट है फिनिश गुड्स का इनपुट है रॉ मटेरियल का मान लीजिए हमारा जो इनपुट है वो 100 किलोग्राम है और आउटपुट हमारा 80 किलोग्राम है ये हमारा सेट स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब हमारा नॉर्मल लॉस 20% परसेंट ऑफ इनपुट हो गया जितना भी इनपुट किया था उसका 20% परसेंट नॉर्मल लॉस हो गया ठीक है अब आपके पास में अगर आपने 100 केजी का इनपुट किया एक्चुअल में और आउटपुट 70 केजी आया तो ये एडवर्स सिचुएशन है क्वांटिटी कंपनी है और अगर ये 90 केजी आ गया तो ये फेवरेबल सिचुएशन है बेसिकली जो यील्ड वेरिएंस है उसमें फेवरेबल तब होगा जब एबनॉर्मल होगा और एडवर्स तब होगा जब लॉस होगा तो ये हमारे पास यील्ड की सिचुएशन आएगी कि इनपुट आउटपुट का क्या रेश रहेगा मिक्स और यील्ड को दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाता है मेटेरियल यूसेज वेरियंस और यूसेज और प्राइस को जोड़ दें तो मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस आ जाएगा सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से फिर लेबर के वेरिएंस चलेंगे वेरिएबल ओवरहेड के फिक्स्ड ओवरहेड के हम एक बार में एक वेरिएंस देखेंगे आ जाइए सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट वेरिएंस वेरिएंस टाइप ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड और एक सेल और प्रॉफिट के वेरिएंस होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है इसके बाद में हमारे पास आता है मेटेरियल वेरियंस मेटेरियल कॉस्ट वेरियंट्स इसके दो पार्ट बनेंगे एक यूसेज और एक प्राइस यूसेज के दो हिस्से बनेंगे ईल्ड और मिक्स इसका मैं आपको हर जो भी वेरियंस आएगा उसका एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे उसे समझेंगे फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे आपको पूरी स्टैंडर्ड पोस्टिंग पूरी याद आ जाएगी जितनी भी आपने पढ़ी थी अब जरा देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा दिया क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेटा दिया इस तरह से कि जो रॉ मेटेरियल है वो ए और बी दो मेटेरियल हैं ठीक है जो इनकी क्वान्टिटी है किलोग्राम्स में वो इनकी क्वान्टिटी दे दी सिक्सटी फोर्टी हंड्रेड के इनपुट हो गया इनका क्वेश्चन ने कह दिया स्टैंडर्ड लॉस टेन परसेंट ऑफ इनपुट है इसका मतलब आपका आउटपुट कितना बना होगा आपका आउटपुट दस परसेंट लॉस होगा नाइनटी के का फिनिश गुड्स बना होगा आपको यहां पर ठीक है इसके बाद में हमारे पास आता है प्राइस प्राइस इसका मान लीजिए दस रुपए और इसका पंद्रह रुपए ओके अब हमारे पास क्वेश्चन देगा एक्चुअल डेटा एक्चुअल मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स हुआ है वो हुआ है साठ किलोग्राम चालीस किलोग्राम तो नाइन थाउजेंड के लिए कितना लगना चाहिए सिक्स थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड टोटल टेन थाउजेंड लगना चाहिए अब मान लीजिए टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लगाए तो इसकी वजह से इल्ड आएगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा लगी है। ओके। अब ये जो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ये 60 -40 के रेशों में होना चाहिए। इसके बाद में आती है प्राइस की बात जो दस रुपए वाली चीज थी वो हमें बारह रुपए में मिली है और जो पंद्रह वाली चीज थी वो हमें फोर्टीन में मिली है अब क्वेश्चन आपसे कहेगा सारे वेरिएंस निकालो तो वेरिएंस निकालने के लिए एक आसान तरीका होता है इसमें हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसके लिए हम एक सिंपल सी एनालिसिस टेबल बना सकते हैं एनालिसिस टेबल एनालिसिस टेबल आपको बोलेगी कि एक तरफ आ गया आपका रॉ मटेरियल ए बी और यहां पर आपका आ गया टोटल यहां पर हम टोटल चार कॉलम्स लेते हैं इन चारों कॉलम में हम 1 बाय 1 एक एक चीज लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्यू ए का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ए का मतलब एक्चुअल प्राइस तो एक्चुअल क्वांटिटी 5250 है दोनों की और एक्चुअल प्राइस बारह रुपए और चौदह रुपए ठीक है जी ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट इसके बाद में फिर हम प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे कि प्राइस में क्या फर्क पड़ा है तो हम एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे कि यही क्वांटिटी अगर हम स्टैंडर्ड प्राइस से लेते जो दस रुपए और पंद्रह रुपए तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता तो देखिए फाइव टू फाइव जीरो ये हो गया वन थ्री वन टू फाइव जीरो और ये हमारे पास हो गया वन थ्री सिक्स फाइव डबल जीरो तो हमारे पास सबसे पहले आता है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए क्यू एस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से माइनस ए क्यू ए पी का डिफरेंस रहेगा तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस आएगी वन थ्री वन टू फाइव जीरो वन थ्री सिक्स फाइव हंड्रेड ए क्यू ए पी है अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो एडवर्स है प्लस में आएगा तो फेवरेबल होगा तो फाइव एडवर्स आ गया ये तो मेटेरियन प्राइस वेरियंस की वजह से हमें फाइव टू फाइव जीरो का नुकसान हुआ है अब हम एक गलती ढूंढ चुके हैं कि प्राइस की वजह से कितना है अब हम प्राइस के बाद में दूसरा लेंगे कि मिक्स में, मिक्स में की वजह से जो मिक्स स्टैंडर्ड था हमने वो फॉलो नहीं किया मिक्स था सिक्सटी फोर्टी मिक्स की वजह से कितना वेरियंस आया उसके लिए हमें निकालनी पड़ती है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस क्यू कहता है कि आपकी जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये कायदे में सिक्सटी फोर्टी के रेशो में होनी चाहिए तो अगर मैं बात करूं मेटेरियल ए और बी की तो मेरा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल क्वांटिटी का इनपुट है सिक्सटी परसेंट ए होना चाहिए था और फोर्टी परसेंट बी होना चाहिए था तो हमारे पास टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सिक्सटी परसेंट सिक्सटी थ्री हंड्रेड ये होना चाहिए था और फोर्टी परसेंट

हर जगह एस ही रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस ही रहेगा तो दस रुपए और पंद्रह रुपए तो सिक्सटी थ्री हंड्रेड इंटू टेन एंड फोर्टी टू हंड्रेड इंटू फिफ्टीन ये हमारा एक लाख छब्बीस हजार रुपए बनता है तो यहां पर हमारे पास आता है इन दोनों से ये प्राइस हो गया इन दोनों से आता है मेटेरियल मिक्स वेरियंस मेटेरियल मिक्स वेरियंस कहता है कि स्टैंडर्ड अगर लेते तो क्या रेट बैठता यानी एच पर स्टैंडर्ड मिक्स लेते तो क्या रहता और जो आपने एक्चुअल में ली है उसमें क्या फर्क पड़ेगा तो रिवाइट स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस यहां पर एक लाख छब्बीस हजार रुपए हमारी कॉस्ट बैठती और यहां पर वन थर्टी वन टू फिफ्टी हमारी कॉस्ट बैठ रही है तो वन थर्टी वन टू फिफ्टी माइनस के फाइव टू फाइव, फाइव जीरो यहाँ पर भी आ गए एडवर्स ये भी हमारे पास फाइव टू फाइव जीरो एडवर्स आ गया ठीक है जी तो हमारे पास प्राइस वेरियंस आ गया हमारे पास मिक्स वेरियंस आ गया इसके बाद में हमें निकालनी पड़ती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस सिंपल सी होती है तो नाइन थाउजेंड के जी के लिए कितना चाहिए होगा तो 9000 थाउजेंड के लिए 6000 और 4000 चाहिए होगा लेकिन आपको एग्जाम में वर्किंग नोट बनाकर दिखाना पड़ेगा एसक्यू फोर नाइन थाउजेंड तो यहां पर पहले हम लेते हैं रॉ मटेरियल इनपुट कितना होना चाहिए किलोग्राम का क्योंकि दस परसेंट तो लॉस हो गया तो होगा तो, हो हो तो इसका मतलब इनपुट टेन थाउजेंड किलोग्राम होना चाहिए तो इनपुट आपके पास आ जाएगा टेन थाउजेंड किलोग्राम इसे ए और बी में स्प्लिट कर देंगे टेन थाउजेंड 60, 40. इसका मतलब किलोग्राम 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 लगना लगना चाहिए और B लगना चाहिए. और आप सीधे भी निकाल सकते हैं कि 60 A लगता है 90 के आउटपुट पर, पर तो पर कितना लगेगा? तो A आ जाएगा और लग रहा था 40. 40 लगता है 90 के पर, तो के पर कितना आएगा फोर थाउजेंड तो मैथमेटिक्स किसी भी तरीके से निकालिए बस कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि हमें यह जानना है कि रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड तो सिक्स थाउजेंडोर थाउजेंड किलोग्राम यहां पर लगना चाहिए ,000, ,000, यह हमारे पास आ गया साठ हजार प्लस साठ हजार एक लाख बीस हजार इन दोनों का डिफरेंस आता है मेटेरियल ईल्ड वेरियंस एम वाईवी फॉर्मूला सिंपल है एस क्यू एस पी माइनस आर एस क्यू एस पी ये हमारे पास आ गया एक बीस छब्बीस सिक्स का एडवर्ड्स आ गया ओके okay, जी तो हमारे पास मेटेरियल वेरियंस आ गया मिक्स वेरियंस आ गया प्राइस वेरियंस आ गया अब आप मेटेरियल ईड और मेटेरियल मिक्स को जोड़ देंगे तो आपके पास इलेवन थाउजेंड टू फिफ्टी एडवर्ट्स आएगा ये है मेटेरियल यूसेज वेरियंस इसका सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एसक्यू एस पी माइनस एक्ट एस पी दो टेबल क्रॉस करनी पड़ेगी और इसके बाद में मेटेरियल यूसेज और मेटेरियल प्राइस को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस्ट और 50, 16, इसका भी सीधा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस तो एक बीस की जगह एक छत्तीस पांच सौ लगे तो आपके सोलह हजार पांच सौ रुपए फालतू लगे हैं ये हमारे पास था मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस तो मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस के अंदर हमारे पास मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस के अंदर हमारे पास यूसेज प्राइस ईल्ड और ही आएंगे अब जो प्राइस वेरियंस है प्राइस वेरियंस के अंदर एक कंसेप्ट दिया हुआ है प्राइस वेरियंस में बोला हुआ है कि देखो दो पॉइंट होते हैं एक होता है क्वांटिटी परचेज करने का वाला पॉइंट परचेज पॉइंट और दूसरा होता है कंजम्पशन पॉइंट जब मेटेरियल इस्तेमाल होता है तो इन्होंने कहा ये दो जगह हैं जहां पर आप प्राइस वेरियंस निकाल सकते हो

तो अगर आपने कभी भी परचेज और कंजम्पशन अलग है और परचेज के ऊपर आपने प्राइस वेरियंस निकाला तो प्राइस वेरियंस सेपरेट आएगा कि जितनी क्वांटिटी परचेज की उसके ऊपर प्राइस निकाल लिया और बाकी सारे वेरियंस कंजम्पशन पे चलेंगे तो ये जो मिक्स है ईल्ड है यूसेज है ये हमेशा कंजम्पशन पर रहेंगे और मेटेरियल प्राइस वेरियंस निकालने के दो तरीके रहेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ परचेज भी निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन अगर नहीं कर रहा तो दोनों में से किसी पर भी निकाला जा सकता है फिर दो सजेस्टेड आंसर अगर आपका अगर आपका मेटेरियल प्राइस वेरियंस परचेज के बेसिस पर है तो मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता ऐसी में आपको मेटेरियल यूसेज और मेटेरियल प्राइस सेपरेट निकालकर दोनों को ऐड करके दिखाना पड़ेगा एक बार इसके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के नजर आते हैं हमें हमारे पास मेटेरियल के क्वेश्चन देखेगा बीबी क्यू नाइनटी टू द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनाने में हमारा जो स्टैंडर्ड मिक्स है वो ये बता रहे हैं मेटेरियल एक्स वाई जेड ये तीनों लगेंगे सिक्सटी एन हंड्रेड

प्राइस लगा है सेवनटीन पॉइंट फाइव एटीन और ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये क्वांटिटी है एक और ये है एक्चुअल प्राइस साढ़े सत्रह रुपए अठारह रुपए और साढ़े सत्ताईस रुपए जबकि स्टैंडर्ड प्राइस कितना है पंद्रह रुपए बीस रुपए और पच्चीस रुपए तो हम सबसे पहले इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारे पास टेबल आ जाएगी एक य्यू ए पी सिक्स फोर्टी नाइन फिफ्टी एट सेवेंटी जो भी प्राइस एक्चुअल में लगाए फिर साथ में ले लेंगे जो प्राइस एच पर स्टैंडर्ड था ठीक है

ये जो क्वांटिटी है टोटल टू सेवन सिक्स जीरो हमें इसे सिक्स इस टू एट इस टू टेन के रेशो में बांटना है क्योंकि सही रेशो सिक्स एट और टेन है तो अब हम इसको क्या निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू फोर सिक्स जीरो सिक्सटी बाई टू फोर्टी आप सिक्स बाई ट्वेंटी फोर कर सकते हैं एट बाई ट्वेंटी फोर एंड टेन बाई ट्वेंटी फोर इनको सही रेशो में निकाला अब ये जो रेशो निकल कर आया है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा ये आ गया फाइव वन टू फिफ्टी तो हमारा आर एस क्यू की जो कॉस्ट है वो फाइव वन टू फिफ्टी है और एक्चुअल क्वांटिटी की कॉस्ट फिफ्टी टू फिफ्टी है इन दोनों का डिफरेंस मेटेरियल मिक्स वेरियंस बन जाएगा तो हमारे पास variance, ये आ गया मैटेरियल मिक्स वेरियंस आर एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी ये नाइन हंड्रेड हमारे पास फेवरेबल हो गया अब हमें तीसरी चीज निकालनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन में देखिए एक यूनिट के लिए साठ यूनिट लगती हैं तो दस यूनिट के लिए छह सौ लगेंगी एक यूनिट के लिए एटी लगती हैं तो दस के लिए एट हंड्रेड लगेंगी एक यूनिट के लिए सौ यूनिट लगती हैं तो दस के लिए एक हजार लगेंगी तो सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड और वन थाउजेंड हमारे पास रॉ मेटेरियल लगना चाहिए सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड वन थाउजेंड इनकी कॉस्ट आ गई फिफ्टी थाउजेंड अब एस क्यू एसपी और आर एस क्यू एसपी को कंपेयर करेंगे ये हमारे पास आएगा यील्ड वेरियर

पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे ये 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 से मार्क्स में आता है है और एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू के अंदर चीज पूछी जा सकती है। जैसे ये पूरा डेटा दे दिया आपको अब वो पांच एमसीक्यू बना देगा एक क्वेश्चन पे पांच एमसीक्यू बना रहा है, है। एक ही क्वेश्चन पे पांच एमसीक्यू बना देगा उसमें आपसे कह देगा मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस कितना होगा चार आंसर दे देगा मेटेरियल प्राइस कितना होगा चार आंसर ऐसे आपके पास पांचों स के चार चार आंसर आ जाएंगे आपको वर्किंग करके निकालना होगा कि किसका सही आंसर क्या है तो ये एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू के लिए स्टैंडर्ड और मार्जिनल ये दोनों चैप्टर बहुत बढ़िया है इसमें आराम से एमसीक्यू बन सकते हैं और उसके अलावा अगर ये आता है तो कई बार फाइव मार्क्स में आता है कई बार ये सीधा टेन मार्क्स में आ जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बीबीक्यू क्यू नाइनटी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एड बिलो सिक्सटी ऑफ मेटेरियल ए फोर्टी ऑफ बी

ठीक है जी, तो आउटपुट का पच्चीस परसेंट लॉस हो जाता है जितना भी आउटपुट देंगे ये देख लेंगे हैं उसका. आपने में 540 और 260 किलोग्राम लगाया और, और जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है वो सिक्स एटी किलोग्राम है ठीक है तो सबसे पहले तो हम फाइव फोर्टी टू सिक्सटी को सिक्सटी फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस फिर हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरियंस कर आ जाएगा तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस यहां साठ और पचास रुपए यहां पचास और साठ रुपए जो स्टैंडर्ड प्राइस था इसको कंपेयर करिए मेटेरियल प्राइस वेरियंस आ जाएगा अब हमें निकालनी है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो बड़ा सिंपल है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आपको करना क्या है टोटल क्वांटिटी का एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करना है 540 और 260 800 किलोग्राम हो गया अब इस 800 किलोग्राम को आपको सिक्सटी फोर्टी के रेशियो में बांटना है तो 800 का सिक्सटी फोर्टी कर दीजिए ये आपके पास आ जाएगा 800 का सिक्सटी फोर्टी फोर और 320 किलोग्राम ये 480 और 320 आ गया अब यहां और यहां का कंपैरिजन मटेरियल मिक्स वेरिएंस बन जाएगा ठीक है अब हमें निकालनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है उसे उठा लीजिए एक्चुअल आउटपुट है सिक्स किलोग्राम ठीक है जी यह हमारा आउटपुट है आउटपुट का पच्चीस परसेंट लॉस हुआ होगा तो इनपुट कितना करा हुआ आपने इसका पच्चीस इनपुट आठ सौ पचास किलोग्राम होगा हुआ हुआ। अब उल्टा करके देख लीजिए आठ सौ पचास किलोग्राम है सिक्स एट्टी का पच्चीस परसेंट कितना हुआ? 680 का पच्चीस परसेंट हो गया एक सौ सत्तर एक सौ सत्तर किलोग्राम का लॉस हुआ होगा एट फिफ्टी का इनपुट वन सेवेंटी का लॉस

और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अगर हम आर एस क्यू एस पी से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मेटीरियल अगर आपको यूसेज जानना है तो यहां से लेकर यहां पर डिफरेंस करिए माइनस माइनस और कॉस्ट जानना है तो लगा दीजिए बिल्कुल सिंपल ओके एक हमारे पास बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसके अंदर परचेज अलग दी गई है और कंजम्पशन अलग दी गई है तो अगर परचेज और कंजम्पशन अलग हो

हमने साठ बैच टोटल लगाए हैं साठ बार हमने मशीन पर सेटअप किया है तो देखिए इन्होंने ये नहीं बताया कि एक्चुअल क्वांटिटी रॉ मटेरियल की कितनी लगी होगी तो साठ बैच आपने लगाए हैं एक बैच में पच्चीस किलोग्राम रॉ मटेरियल आप डालते हो तो साठ बैच में कितना होगा तो साठ बैच में आपका सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोग्राम रॉ मटेरियल लगा होगा तो क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रो मेटेरियल कंज्यूम होगी कितनी हुई हो है ये हमें खुद निकालना पड़ेगा ठीक है जी हमने यहां पर निकाल लिया कि भाई एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 7500 किलोग्राम लगी होगी कंजम्पशन की ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि मैं आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल का मिक्स का रेशो और प्राइस बता रहा हूँ तो हमारे पास जो ये 7500 किलोग्राम लगा है ये 60 20 20 के रेशो में लगा है ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है तो ये एक्चुअल क्वांटिटी क्वान्टिटी के रेशो में आ गई

तो यहां पर आपके दो प्राइस वेरियंस निकल सकते हैं इस क्वेश्चन ने सिर्फ वेरियंस निकालो ये नहीं बताया कि परचेज क्वांटिटी पर निकलेगा या फिर कंजम्पशन पर तो दो सजेस्टेड आंसर बनेंगे आप कोई भी एक करके आ सकते हैं या तो आप कंजम्पशन के बेसिस पे निकाल या तो फिर आप परचेज के बेसिस पे दोनों पे पूरे नंबर है तो इसका जो प्राइस वेरियंस है वो आप देखिए दो प्राइस वेरियंस बने हुए हैं प्राइस वेरियंस परचेज के बेस पर और प्राइस वेरियंस कंजम्पशन के बेस पर, पर दोनों में फर्क क्या पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ परचेज के बेस पर हम क्या करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाई वाई पांच हजार इंटू इक्कीस दो हजार इंटू आठ और बारह इसी इंटू को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से कि पांच 20, 20, तो इन दोनों का डिफरेंस परचेज के बेसिस पर प्राइस वेरियंस आ जाएगा कि स्टैंडर्ड प्राइस क्या था एक्चुअल प्राइस क्या था पांच हजार दो हजार और बारह सौ किलोग्राम का तो यहां पर हमने लिए से 21, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज परचेज और और स्टैंडर्ड प्राइस है। है है? तो ये 126 और 128, 200 आ गया, ठीक एडवर्स। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तरीका क्या को इग्नोर कर दो आपको हम तो कंजम्पशन के बेसिस पे ही निकालेंगे ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस से दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर हमने टेबिली कंज्यूम एक्चुअल प्राइस से कितनी थी तो 45 15 15 हमारे पास आ गए इक्कीस आठ और छह से फिर सेम क्वांटिटी हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड प्राइस बीस रुपए दस रुपए और पांच रुपए से ठीक है डिफरेंस हुई प्राइस वेरिएंस है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन तो सर हमें क्या एग्जाम में दोनों तरीके करने हैं अरे नहीं बेटा दोनों तरीके नहीं करने कोई एक ही तरीका करना है या तो या तो 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 परचेज के 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 बेसिस 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 पर 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 कंजम्पशन कंजम्पशन ठीक ठीक है ये तो आ दोनों हाँ दोनों आंसर दोनों पर पूरे नंबर आपको मिलेंगे तो हमने सबसे पहले निकाल लिया भाई प्राइस वेरियंस उसके बाद वाले सब सिंपल है अब जैसे हमें मिक्स वेरियंस निकालना है तो मिक्स वेरियंस में कंजम्पशन ही देखी जाएगी मिक्स वेरियंस अब परचेज का कोई लेना देना नहीं है परचेज से प्राइस वेरियंस में काम आ सकती है बाकी कहीं नहीं अब हमें देखना है मिक्स वेरियंस जगह कंजम्पन चलेगी तो अब हमारे पास जो मिक्स वेरियंस है अब कंजन के बेसिस पे चलते हैं परचेज वाला बात तो क्लियर तो है तो भी क्वांटिटी कंज्यूम हुई एक्चुअल अब आपकी जो क्वांटिटी है हमें उसे स्टैंडर्ड रेश में रखना है तो सेवेंटी किलोग्राम हमारी क्वांटिटी है उसका स्टैंडर्ड रेशियो है फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी तो फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी में अगर मैं इसको बांटूंगा तो इसको हम बोलेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस क्यू तो मैंने फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी में बांटा इसको ये मेरे पास निकल कर आ गया ये मैंने रख लिया थ्री सेवन फाइव जीरो टू टू फाइव जीरो फिफ्टीन हंड्रेड स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करा इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास मिक्स वेरियंस आ गया ठीक है जी अब मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए क्वेश्चन ने आगे कहानी बताई है

तो इसका मतलब हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो सेवन थाउजेंड किलोग्राम लगेगी एक सौ पच्चीस किलोग्राम रॉ मटेरियल लगता है सौ किलोग्राम फिनिश्ड फूड्स के लिए तो फिफ्टी सिक्स हंड्रेड किलोग्राम फिनिश्ड फूड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा सेवन थाउजेंड किलोग्राम इसे हम फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी स्टैंडर्ड रेश में बांट देंगे और ये हमारे पास एस क्यू एस पी आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेवन थाउजेंड किलोग्राम फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी के रेशो में बांटिए

लेकिन अगर आपने प्राइस वेरियंस परचेज के बेसिस पर निकाला है परचेज के बेसिस पर तो मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस निकालते हुए आपको लेना होगा एसक्यू एस पी एक्सपी जो हमारे पास आ गया मेटेरियल यूसेज वेरियंस और दूसरा आपको लेना होगा मेटेरियल प्राइस वेरियंस इन दोनों को सेपरेटली जोड़ना पड़ेगा यूसेज और प्राइस को तो अगर आप परचेज के बेसिस पे निकालते हैं तो अलग निकलेगा तो मिक्स आ गया ईल्ड आ गया यूसेज आ गया अब जरा देखिए कॉस्ट अगर आपने कंजम्पशन के बेसिस पे निकाला है तो तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा लेकिन अगर आपने परचेज के basis पे निकाला है, तो material usage और material price variance को separately आपको बेसिसियल करना पड़ेगा ये हमारे पास मेटेरियल वेरियंस का काम खत्म अब हम लाइव चैट ऑन कर रहे हैं जी पूरा का पूरा जितने भी चैप्टर हैं, वो सारे रिकॉल हो जाएंगे आपको दोबारा से विद कंसेप्ट बस क्लास के बाद में इन क्वेश्चंस को आपको कर लेना है टाइम है राइटिंग का तो राइटिंग में करिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं है बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन उठा रखे हैं जिनमें से एग्जाम में फंसने के पूरे चांस रहेंगे या जिसमें सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाए जी किसी का कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वेरियंस की तरफ बहुत ही सिंपल है बहुत आसान है आराम से कंसेप्ट फोकस करो एक बार जैसी क्लास खत्म हो जाएगी क्लास खत्म होने के बाद आराम से कॉन्सेप्ट देखना है इसका बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन को राइटिंग में कर सकते हो वेल एंड गुड रफ में कर लेना चाहें रफ में कर लो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेटर करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पर भी हो जाइएगा ठीक है क्लियर है क्या चल रहा है ठीक है ऐसी एक एक वेरिएंस करते जाएंगे आराम से देखिएगा बहुत सिंपल है मेटीरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया ओके बेटा रिवाइज क्वांटिटी का होता है जितनी भी क्वांटिटी आपकी एक्चुअल में है उसको स्टैंडर्ड रेशो में लेना है तो स्टैंडर्ड है तो जितनी भी एक्चुअल क्वांटिटी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करनी है यहां पर सारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है अब हमारे पास दूसरा जो वेरिएंस आता है वो आता है हमारे पास लेबर कॉस्ट वेरियंस लेबर कॉस्ट वेरियंस को देखते हैं आ जाइए अब देखिए लेबर कॉस्ट वेरियंस के अंदर हमारे पास जैसे मेटेरियल को दो पार्ट में बांटा गया है इसको भी दो पार्ट में बांटा गया एक है लेबर रेट वेरियंस दूसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरियंस तो एफिशिएंसी ये यूसेज का नाम यहां पर रख दिया है और प्राइस की जगह हो गया रेट ठीक है जी और लेबर एफिशिएंसी के फिर से दो हिस्से लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस और एक नया वेरिएंस इसमें बनता है आइडल वेरिएंस आइडल वेरिएंस का मतलब है कि अगर आइडल टाइम है तो उसके भी पैसे आपको देने पड़े होंगे तो यहां पर हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वैसे लेबर रेट वेरिएंस है आपने लेबर को एक्चुअल रेट क्या दिया और लेबर को स्टैंडर्ड रेट से क्या पेमेंट होनी थी तो एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस मिक्स वेरियंस सिंपल है कि लेबर को आपने एक्चुअल किस रेशो में इस्तेमाल किया है और स्टैंडर्ड क्या था स्टैंडर्ड रो को यहां पर हम बोलेंगे दिवाइज लेबर आर्ट्स इसके बाद में जो लेबर यील्ड वेरियंस है वो बिल्कुल सिंपल है कि इनपुट आउटपुट रेशो कितना रहेगा एफिशियंसी इन दोनों को जोड़कर आएगा और आइडल टाइम बहुत ही सिंपल है आपने एक्चुअल आर्स जिनकी आपको पेमेंट हुई है वो कितनी है और एक्चुअल आर्स जो आपने काम किया है वो कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है आइडल टाइम जैसे आपने दस घंटे आप फैक्ट्री में हो काम आठ घंटे करा है पेमेंट आपको दस घंटे की मिलेगी तो पेमेंट मिली दस घंटे की काम किया आठ घंटे दो घंटे आपका आइडल टाइम हो गया तो आइडल वेरियंस में आ जाएगा इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से दिखेगा ये क्वेश्चन ने आपको स्टैंडर्ड डेटा दे दिया कि भाई एक यूनिट हमें बनानी है अगर फिनिश्ड गुड्स की तो हमारे पास जो लेबर है दो तरीके की लेबर है मैन वुमेन ठीक है जी अब ये जो काम करेंगे लेबर आर्ट्स ये दस घंटे काम करेंगे ये आठ घंटे काम करेंगी तो जाकर एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स ही बनेगी और जो इनका रेट है रेट है इसका एक घंटे का बीस रुपए और इसका एक घंटे का अठारह रुपए ठीक है जी आ, ओके अब हमारे पास एक्चुअल डेटा दिया जाएगा कि भाई एक्चुअल डेटा क्या है तो एक्चुअल डेटा में क्वेश्चन ने कहा कि हमने सो यूनिट बनाई है फिनिश गुड्स की ठीक है जी अब लेबर आपके पास मैन और वुमेन ठीक है सबसे पहले तो आप ये बताइए दस और आठ अठारह घंटे में एक यूनिट बनती है तो सो यूनिट कितने घंटे में बनेगी एटीन हंड्रेड यूनिट में, है। अब हमारे पास में पर और work, दो रख रहा। तो हमारे जो करने वाले घंटे होने चाहिए काम करने वाले घंटे वो अठारह घंटे होने चाहिए मान लो इन्होंने दो घंटे काम किया है तो टोटल आर्ट्स दो घंटे इन्होंने काम किया है वो दो हजार घंटे टेन एट के रेशियो में बटे हुए होने चाहिए थे हम मान लेते हैं कि टेन स्टो एट अट्ठारह और मल्टीप्लाई वाई अगर मैं बाहर करूं तो दो सौ सो सोलह ठीक है मैं इसको कर देता हूं टू वन सिक्स जीरो आर्ट आसान हो जाएगा हमारे लिए ठीक है टू वन सिक्स जीरो आर्स इन्होंने लगाए हैं और वो लगाए कैसे हैं टू वन सिक्स जीरो डिवाइड बाई टू एक हजार अस्सी घंटे इन्होंने काम किया और एक हजार अस्सी घंटे इन्होंने काम किया ठीक है अब एक्चुअल आर्ट्स ये फैक्ट्री में कितनी देर से ये फैक्ट्री में 1200 घंटे थे और ये भी फैक्ट्री में 1200 घंटे थे अब मुझे बताइए पेमेंट कितने घंटे की मिलेगी पेमेंट मिलेगी पूरे 1200 घंटे की काम कितने घंटे किया है दोनों ने एक हजार अस्सी एक हजार अस्सी सो यूनिट इन्होंने बनाई है और जो इनका रेट इनको मिला वो रेट मिला है बीस की जगह उन्नीस और अट्ठारह की जगह बीस तो रेट में फर्क आ गया जो रेट थे वो रेट से डिफरेंट रेट मिला है अब हमारे पास अलग अलग वेरियंस निकालने के लिए क्वेश्चन हमें कहेगा बहुत आराम से देखेगा हो दिया होगा तो अगर अलग अलग नहीं दिया तो उसमें नहीं आएगा. लेकिन अलग अलग दिया है तो आइडल टाइम वेरियंस उसके अंदर कैलकुलेट करना होगा अब हमारे पास एनालिसिस टेबल बनाएंगे हम इसमें सबसे पहले तो हम रख लेंगे लेबर कौन कौन है तो मैन वुमेन ओके टोटल अब हमारे पास सबसे पहला कॉलम बनेगा कि भाई जो एक्चुअल आर्ट्स हैं उनकी कितनी पेमेंट हुई एक्चुअल रेट और जो एक्चुअल हैं उनकी स्टैंडर्ड रेट से क्या पेमेंट बनती थी तो हमारे पास एक्चुअल आर्ट्स हैं 1200 घंटे जिसकी पेमेंट बनी है 1200 1200 1200 1200 ठीक है जी रेट क्या दिया है उन्नीस और बीस रुपए और स्टैंडर्ड रेट क्या था बीस और अट्ठारह रुपए अब इसमें फर्क देखेंगे हम कितना आ गया फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड आपने एक्चुअल में पेमेंट की है और बनती थी फोर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड तो आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो हो गया लेबर रेट वेरिएंस फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड बारह रुपए एडवर्स तो बारह सौ रुपए का नुकसान हुआ है आपको अब अगर आइडल टाइम नहीं है मान लो आइडल टाइम क्वेश्चन में नहीं है तो हम यहां पर सीधे निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आर्ट्स के भाई मिक्स वेरिएंस निकालो लेकिन अगर आइडल टाइम है क्वेश्चन के अंदर तो अब हमें वो वेरिएंस निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में काम कितनी देर हुआ एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट तो काम हुआ है 1080 1080 आर्स तो 1080 1080 आर्स काम हुआ है रुपए और रुपए का रेट है 41040 आपकी पेमेंट बनती है इसकी ये आइडल वेरिएंस हो गया कि आइडल टाइम की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ हमेशा इसका मतलब आपने एक सौ बीस घंटे आइडल टाइम दिया है बारह सौ में से एक हजार अस्सी घंटे काम किया तो एक सौ बीस घंटे आपके आइडल टाइम हो गए मैन के आइडल टाइम एक सौ बीस घंटे बीस रुपए का रेट वुमेन के आइडल टाइम भी एक सौ बीस घंटे अठारह रुपए का रेट तो इसका मतलब 120 सौ बीस इंटू अड़तीस का नुकसान फोर फाइव सिक्स जीरो आइडल टाइम की पेमेंट है तो ये आइडल टाइम की पेमेंट आपके पास यहां पर आ जाती है ओके अब हमारे पास आइडल टाइम अगर हुआ तो हमारे पास सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्चुअल आर्ट एक्चुअल रेट से क्या पेमेंट बननी थी और स्टैंडर्ड रेट से क्या पेमेंट बनी उसके बाद में हम निकालेंगे एक्चुअल में आपने काम कितनी देर किया है तो एक्चुअल आर्स स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आर्स वर्क स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस हमारे पास आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा अब हम यहां पर निकालेंगे मिक्स और यील्ड। मिक्स के लिए निकालेंगे हम रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स और फिर निकालेंगे स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट ओके रिवाइज स्टैंडर्ड आर हमारे पास बड़ा सिंपल एक्चुअल में कितने घंटे काम किया उसको जोड़कर बता दो तो एक्चुअल में एक प्लस एक हजार अस्सी कितने घंटे काम किया है हमने हमने टू वन सिक्स जीरो किस रेशो में लेना है इसे स्टैंडर्ड इस में लेना है टेन इंस टू एट जो मैन और वुमेन का रेशो था टू एट उस रेशो में हम ले लेंगे तो टेन इंस टू एट के रेशो में आ जाएगा मैन वुमेन मैन हमारे पास आ गया टू वन सिक्स जीरो वुमेन टू वन सिक्स जीरो टेन बाई एटीन 8 by 18 ये हमारे पास 2160 divide by 18 multiply by 10 1200 घंटे इसे काम करना था और 960 आवर्स इसे काम करना था गेन का सही रेशो होता तो 1200 और 960 ये इनके आ गए divide स्टैंडर्ड standard बड़ा सिंपल है जो एक्चुअल आर्स वर्ड हैं उसको रेशो में बांट दो तो, जो भी स्टैंडर्ड रेशो था divide स्टैंडर्ड आ जाएगा आपके पास और आपके पास ये आ गया फोर वन टू एट जीरो इन दोनों का डिफरेंस मिक्स वेरिएंस है अगर आइडल टाइम नहीं होता तो मिक्स वेरिएंस यहां से यहां पर आता तो आपके पास अगर एक्चुअल आर्स वर्ड है तो बीच में आइडल टाइम और मिक्स उनसे रिलेटेड होगा एक चीज ध्यान रखनी है जिसमें बच्चे गलती करते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स अगर एक्चुअल आर्स वर्ड दिया हुआ है हमेशा एक्चुअल आर्स वर्ड के ही निकालने हैं तो हमारे पास ये आ गया फोर वन टू एट जीरो माइनस फोर वन जीरो दो सौ चालीस एडवर्स दो सौ चालीस का हमें फायदा हो गया, गया बिल्कुल सिंपल एक यूनिट बनाने में दस और आठ घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने में दस और आठ घंटे लगते हैं तो सो यूनिट बनाने में कितने लगेंगे बताइए एक यूनिट में दस तो सो यूनिट में एक हजार एक यूनिट में आठ तो सौ यूनिट में आठ सौ तो ये हमारे पास एक हजार और आठ सौ आ गए ये ट्वेंटी और एटीन के रेट से ये आ गया बीस हजार और ये आ गया फोर्टीन फोर हंड्रेड थर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड यहां से यहां का डिफरेंस आ गया ईल्ड वेरियंस ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनको सिक्स एट एट जीरो एडवर्स अब आपके पास ईल्ड भी आ गया मिक्स भी आ गया आइडल भी आ गया लेबर रेट वेरियंस भी आ गया ईल्ड और मिक्स को जोड़ दीजिए या फिर ऐसे एच डब्बलआर तक चले जाइए ये आपके पास आ जाएगा एफिशियंसी इसके बाद में आइडल आपके पास आ चुका है अब आपको निकालना है लेबर कॉस्ट तो ऐसे से सीधे ए एच ए आर पे चले जाइए आपके पास आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरियंस और काम खत्म हो जाएगा लेबर के क्वेश्चन देखते हैं का बहुत सिंपल है लेबर वाला बहुत आसान है बीबीक्यू नाइनटी फाइव एन पी एक्स लिमिटेड यूज स्टैंडर्ड पोस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स एक प्रोडक्ट एक्स है उसके लिए स्टैंडर्ड पोस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं फॉलोइंग बजटेड डेटा गिवन इन रिलेशन टू लेबर आर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एक यूनिट के लिए बता रहे हैं तो तीन तरीके की लेबर है स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड दो घंटे तीन घंटे पांच घंटे काम करेंगे रेट भी दे दिया चार रुपए और तीन रुपए तो ये स्टैंडर्ड रेट है ये इनका स्टैंडर्ड मिक्स है एक यूनिट का डेटा दे दिया अब कह रहे हैं हमने दस हजार यूनिट बनाई है उसके लिए कितने घंटे काम हुआ ये है आपके एक्चुअल आर्ट्स रेट सात रुपए साढ़े तीन रुपए ये है आपका एक्चुअल रेट यहाँ पर अमाउंट भी बता दी इतनी कह रहे हैं आइडल आर्ट्स हुए हैं कुछ ड्यूरिंग द मंथ स्किल्ड के 500 सेमी स्किल्ड के 100 और अनस्किल्ड के 800 अब जरा देखिए अगर मुझे ए एच डब्ल्यू निकालना है तो 18000 घंटे में से 500 घंटे स्किल्ड के चले गए 17500 घंटे काम किया होगा 33000 थ्री आर्ट्स में से सेमी स्किल्ड के 700 चले गए 32300 टू काम किया होगा और 58000 में से 800 चले गए तो फिफ्टी सेवन काम किया होगा तो आइडल टाइम को ए AH एच में से माइनस करेंगे तो ए एच डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा अब आपके पास कॉलम क्या क्या बनेंगे ए एच ए आर फिर एच एस आर फिर एच डब्ल्यू एस आर यहां तक आ गए फिर ए एच डब्ल्यू जो भी आया है जितना भी आया है इसका टोटल करेंगे वन लैख सेवन थाउजेंड आ जाएगा ए एच डब्ल्यू जो भी आया है उसे टू टू थ्री टू फाइव के रेशो में बांटेंगे

33, का एक्चुअल से पांच सौ माइनस किया आइडल किया ए एच डब्ल्यू हमारे पास निकल आया ठीक है जी? अब हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आर्ट निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिए ए एच डब्ल्यू का टोटल करेंगे तो ए एच डब्लू का टोटल करा वन लैख सेवन थाउजेंड इसको जो स्टैंडर्ड इस रो था 2 -2 2 -2 के में बाटा। ये हमारे हमारे पास पास आ गया, RSH. RSH आ गया गया. फिर हमें निकालना है. हमारे पास सिंपल। एक पर दो घंटे तो दस हजार घंटे एक यूनिट पे तीन और पांच घंटे तो दस हजार यूनिट पे थर्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड आर्ट्स आपके पास आ जाएगा तो ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी ये हमारे पास आ गया अब बस सारे वेरिएंस निकालिए और क्वेश्चन खत्म हो गया ये दस नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन पांच नंबर का क्वेश्चन बहुत छोटा सा होता है तो एस एच एस आर और आर एस एच एस आर का फर्क इल्ड वेरियंस आर एस एच और ए एच डब्ल्यू का फर्क मिक्स वेरियंस ए एच डब्ल्यू और ए AH एच का फर्क आइडल वेरियंस ए एच एस आर और ए एच ए आर का डिफरेंस रेट वेरियंस अगर आपको एफिशियंसी निकालना है तो एस एच एस आर से ए एच डब्ल्यू एस आर तक जाना होगा अगर आपको ओवरऑल लेबर कॉस्ट वेरियंस निकालना है तो एस से एच एआर तक जाना होगा सारे वेरियंट हमारे पास निकल कर आ जाएंगे बीबीक्यू नाइन सिक्स एग्जाम ऑफ प्रोडक्ट डी एक प्रोडक्ट डी है हमारे पास 50 यूनिट पर आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स एक हमारे पास डिपार्टमेंट है जिसमें 100 वर्कर काम कर रहे हैं इस पूरे डिपार्टमेंट का आउटपुट एक घंटे का पचास यूनिट है ये यूनिट बनाते हैं तो बेसिकली एक घंटे में पचास यूनिट नहीं बन रही सो so, वर्कर एक घंटे काम करते हैं तब पचास यूनिट बन रही है इसका मतलब पचास यूनिट बनाने में हमें सौ घंटे लगते हैं हंड्रेड वर्कर वन आवर काम करेंगे यानी हंड्रेड आवर्स तो फिफ्टी यूनिट बनेंगे तो यहां पर बच्चा क्या करता है बच्चा सोचता है एक घंटे में पचास यूनिट बन रही है एक घंटे में नहीं बन रही पर आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एम्प्लॉइंग हंड्रेड वर्कर्स सो वर्कर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एक घंटे काम करेंगे तब जाकर हमारी पचास यूनिट बनती है तो यानी सो घंटे में पचास यूनिट आपकी बनकर तैयार हो रही है ठीक है जी आगे कह रहे हैं इन फोर्टी आवर्स वीक इन फोर्टी आवर्स वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस वन नाइन टू जीरो ऑफ प्रोडक्ट डी हमने वन नाइन टू जीरो बनाई है प्रोडक्ट डी की तो एक्चुअल फिनिश गुड्स हमारे पास है यूनिट्स ठीक है ये मैंने साइड में लिख लिया चालीस घंटे आपने काम किया है एक्चुअल चालीस घंटे डिपार्टमेंट खुला है सो वर्कर है तो चार हजार घंटे आपके यहां पर काम हुआ है ओके कैन डिस्पाइट फाइव परसेंट ऑफ द टाइम पेड वॉज लॉस ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीजन एबनॉर्मल आइडल टाइम है फाइव परसेंट तो जो भी आपने काम किया था चार हजार घंटे में से पांच परसेंट दो सौ घंटे आपके आइडल टाइम में चले जाएंगे ठीक है कह रहे हैं ऑन टाइम पेड लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन द आवरली वेज रेट एक्चुअली पेड वर्ड ट्वेल्व पॉइंट फोर ट्वेल्व एंड इलेवन पॉइंट फोर ये एक्चुअल रेट दे दिया कि एक्चुअल रेट हमारे पास क्या है रेस्पेक्टिवली टू अ ग्रुप ए कंसिस्टिंग टेन वर्कर्स ग्रुप बी थर्टी वर्कर्स एंड ग्रुप सी सिक्सटी वर्कर तो इनके जो वर्कर हैं वो तीन ग्रुप में बटे हुए हैं ग्रुप ए में वर्कर्स कह रहे हैं जितने भी वर्कर्स हैं सबका स्टैंडर्ड रेट सेम है यानी अगर हमारी फैक्ट्री में तीन ग्रुप है ग्रुप ए बी सी सौ वर्कर हैं टोटल उसमें मिलाकर दस तीस और साठ तो अगर हम एक ग्रुप को एक घंटे के दस रुपए देते हैं तो इसका मतलब ग्रुप बी ग्रुप सी के भी हर वर्कर को दस रुपए घंटा ही देते हैं तो पूरी फैक्ट्री में रेट स्टैंडर्ड सेम है, एक्चुअल में कह रहे हैं लेबर एफिशियंसी वेरियंस इज गिविन फोर एटी फेवरेबल लेबर एफिशियंसी वेरियंस आपको दे दिया तो लेबर एफिशियंसी वेरियंस हमारे पास एस एच एस आर माइनस ए एच डब्लू एस आर ठीक है जी अब हमारे पास यहां पर इन्होंने बता दिया कि भाई ये फोर एटी फेवरेबल है तो ये फोर एटी पॉजिटिव का है ठीक है एस एच हमें नहीं पता एस आर हमें नहीं पता पर एस एच हम निकाल सकते हैं एस एच फोर कितनी यूनिट आपने बनाई है नाइनटीन ट्वेंटी यूनिट एस एच फोर नाइनटीन ट्वेंटी यूनिट अब देखिए पचास यूनिट बनाने में 100 घंटे लगते हैं पचास यूनिट बनाने में 100 घंटे लग रहे थे 100 वर्कर एक घंटा काम करते थे तब जाके पचास यूनिट बनती थी तो 100 घंटे लगते हैं पचास यूनिट बनाने में यानी एक यूनिट बनाने में दो घंटे तो 1920 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा तो 1920 सो बीस इंटू टू थ्री एट फोर जीरो आपके लगेंगे तो आगे थ्री एट फोर जीरो स्टैंडर्ड रेट कितना है वो हमें नहीं मालूम ओके okay, जी एक्चुअल आर्स वर्ल्ड कितना है वो हमने निकाल लिया एक्चुअल आर्स वर्ल्ड है थर्टी एट हंड्रेड आर्स चार हजार घंटे काम हुआ है पांच परसेंट उसमें साइडल टाइम है यानी दो घंटे तो थर्टी एट हंड्रेड आर्स आपके पास एक्चुअल आर्स वर्ल्ड है थर्टी स्टैंडर्ड रेट हमें नहीं मालूम अब जरा देखिए थ्री एट SR. 3840 में से 3800 चला गया, तो 480 आपके पास स्टैंडर्ड रेट निकल आएगा बारह रुपए तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट गया था वो हमारे पास निकल गया पूरा क्वेश्चन बन जाएगा तो कई बार एग्जामिनर आपको क्या करता है कोई वेरिएंस दे देता है क्वेश्चन के अंदर बस उस वेरिएंस के बेसिस पर हम क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं अब हमारे पास टेबल देखिए ए एच ए आर दस वर्कर तीस वर्कर साठ वर्कर चालीस 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 घंटे ट्वेल्व पॉइंट फोर ट्वेल्व और इलेवन पॉइंट फोर इनको मिले हैं और स्टैंडर्ड रेट कितना है बारह रुपए अब एक्चुअल आर्ट्स वर्क की बात की जाए तो पांच परसेंट माइनस कर दो ये चार घंटे चार में से पांच माइनस करा थ्री ये 1200 आर से 1200 में से माइनस किया 1140 ये 2400 आर से 5 परसेंट माइनस किया 2280 तो ए एच में हमने इधर से इधर क्या किया 5 परसेंट माइनस कर दिया ए एच सबका निकल कर आ गया ठीक है जी ए एच आ गया एस आर अब हमें निकालना है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो मैं इसमें बता दूं इसमें मिक्स वेरियंस जीरो आने वाला है उसका रीजन क्या है आप क्वेश्चन में देखिए एक्चुअल ग्रुप के पर्सन और स्टैंडर्ड ग्रुप के ऐसा कुछ इन्होंने स्प्लिट नहीं किया अगर आप देखेंगे इसमें इन्होंने एक ही बताया कि बताया दोनों का रेशो टेन वर्कर थर्टी वर्कर और सिक्सटी वर्कर तो हमारे पास ये टेन वर्कर जब हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आर्ट थर्टी एट हंड्रेड को हम टेन थर्टी में बांटेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम वही आंसर आएगा जो AHW में आ रहा है क्योंकि अगर क्वेश्चन तो तो कह देता स्टैंडर्ड रो टेन थर्टी सिक्सटी से कुछ और है तो फिर हम लोग कर दिखा देते मिक्स वेरियंस इतना आएगा पर पॉसिबल पर नहीं है इसके बाद में एस एच एस आर एस एच एस आर हम निकाल चुके हैं कि स्टैंडर्ड आर्ट्स हमारे कितने होंगे थ्री एट फोर जीरो उन्नीस सौ बीस यूनिट बनाने के उसे टेन में बांट दीजिए दस वर्कर 30 वर्कर 60 वर्कर इस रेशो में बांट दीजिए तो ये हमारे पास आ गए थ्री एट फोर जीरो टेन वर्कर थर्टी वर्कर सिक्सटी वर्कर के रेशियो में बांटा ये हमारे पास स्टैंडर्ड निकल कर आ गया और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सिंपल है बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता रहता है ये इसके बाद में यहां पर अगर कोई डाउट है तो बोल दीजिए फिर हम जाएंगे ओवरहेड वेरिएंस पर बहुत ही सिंपल है बहुत ज्यादा आसान सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो हमने किए हुए हैं तो फिर हम फंस नहीं सकते हाँ जी किसी का कोई पॉइंट है तो बता सकता है चैट ऑन है निकिता गैरिंग क्लियर है सर बहुत सिंपल है अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है बस अब ये देखिए एक घंटा हुआ है हमारा मटेरियल वेरिएंस भी खत्म हो गया लेबर भी खत्म हो गया उसका हमने एक एक एग्जांपल भी कर लिया उसके हमने तीन तीन चार चार क्वेश्चन भी देख लिए अब वेरिएबल और फेस ओवर हेड खत्म करना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल सिंपल है यहां पर जो रिविजन चल रहा है बूस्टर का रिविजन बेसिकली वो इसलिए फेमस है कि भाई अपने आप से करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है लेकिन अगर यहां पर हम करते हैं तो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस में काम हो गया अच्छा क्या इन क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चन करने आपको और जो भी अच्छे क्वेश्चन लगते हैं अपनी बुक में उनको मार्क कर लीजिए उनकी प्रैक्टिस करिए यहां पर प्रॉपर एक बेस बिल्डिंग और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनमें एडजस्टमेंट सारी आ जाती है वो करवाया गया है तो लिमिटेड टाइम में जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है वो चुन के यहाँ पर रख लिए गए हैं एक एक क्वेश्चन करके आपको अलग अलग सारा आइडिया यहाँ पर मिल जाता है अब इसके बाद हमारे पास है वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड के वेरियंस देखिए जो ओवरहेड है उसका रिकवरी रेट होता है तो रिकवरी रेट दो बेसिस पे निकाला जा सकता है एक हो सकता है टाइम के बेसिस पर और एक हो सकता है यूनिट के बेसिस पर तो ओवरहेड के जो वेरिएंस हैं वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दो हैं दोनों के वेरिएंस यूनिट और टाइम दो अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए मैं कर रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड यूनिट के बेसिस पर कैसे होगा तो यूनिट के बेसिस पर वेरिएबल ओवरहेड में एक ही वेरिएंस निकलता है वो है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सिर्फ एक ही वेरिएंस निकल सकता है क्वेश्चन कैसे दिया होगा आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको बजट या स्टैंडर्ड लिख देगा कुछ और एक लिख देगा एक्चुअल क्वेश्चन ने कहा पांच सौ यूनिट हमारी बजटेड थी और सात सौ हमने बनाई है।, है, दे 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 है अब आपको वेरिएबल ओवरहेड कोस्ट वेरियंस निकालना है बिल्कुल सिंपल बिल्कुल आसान वेरिएबल ओवरहेड कोस्ट वेरियंस सिंपल सी बिल्कुल बात है कि पांच सौ यूनिट पर पांच हजार रुपए आपके लगे तो सात सौ यूनिट पे कितने लगेंगे तो ऐसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड या फिर रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड और फिर इसमें से एक्चुअल का डिफरेंस ले लेते हैं कि एक्चुअल कितना लगा तो हमारे पास पांच हजार रुपए लगते हैं पांच सौ यूनिट के तो सात सौ यूनिट के कितने लगेंगे सेवन थाउजेंड आपके एक्चुअल में कितने लगे हैं सिक्स फाइव हंड्रेड तो आपको पांच सौ रुपए का फायदा है फाइव हंड्रेड फेवरेबल तो इसमें अगर किसी बच्चे को वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस नहीं भी आता उसने जीवन में कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं भी भी है तो वो भी निकाल के आ सकता है कि पांच हजार रुपए पांच सौ यूनिट पे लगते हैं तो सात सौ यूनिट कितने लगेंगे सात हजार लगे मैनेजमेंट तो को या कंपनी को पांच सौ रुपए का फायदा है तो सबसे पहले आता है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड यूनिट के बेसिस पर इसमें एक ही वेरिएंस लगता है बड़ा सिंपल सा कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितने लग रहे हैं आपके और एक्चुअल में कितने लगे हैं तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 700 यूनिट पे कितने लगेंगे 7000 लगे कितने हैं 6500 है, 500 का फायदा हो गया बिल्कुल सिंपल इसके बाद में इसी वेरिएबल ओवरहेड को अगर टाइम के बेसिस पर निकाला जाए तो इसके दो एडिशनल वेरिएंट बन जाते हैं एक एफिशिएंसी और एक एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल लेबर वाला है अब टाइम टाइम के के बेसिस बेसिस पे पे ये ये जो है है लेबर आर ही रिकवरी मानी जाती है। तो ओवरहेड की रिकवरी दो तरीके से तो अगर यूनिट वाला क्वेश्चन है तो सिर्फ एक ही वेरियंस निकलेगा पर है तो दो एडिशनल वेरियंस निकल जाएंगे तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो टुकड़े और हो जाएंगे हमारे पास एक एफिशिएंसी एक एक्सपेंडिचर ये फॉर्मूले वही रहेंगे जो लेबर के फॉर्मूले थे फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेबर का फॉर्मूला था एसएच एसआर यानी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हो गया यहां पर माइनस एएच एसआर और एक्सपेंडिचर का एएच एसआर माइनस एएच एआर That's it. काम खत्म का 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 मतलब actual variable overhead, SHSR का मतलब standard variable overhead. अब इसमें question आपको डेटा कैसे देगा इसमें क्वेश्चन आपको टाइम और बता देगा तो बजट और एक्चुअल बजट में मान लीजिए आपकी यूनिट्स हैं 500 और एक्चुअल में 700 बनी है जैसे हमने अभी ऊपर लिया था

तो बजटेड ओवरहेड है पांच हजार बजटेड आर्ट्स है एक हजार तो हमारा स्टैंडर्ड रेट हो गया एक घंटे का पांच रुपए तो हमारा स्टैंडर्ड रेट बजटेड ओवरहेड बजटेड आर्ट्स एक घंटे का पांच रुपए कर आ गया ये हो गया सेवेंटी फाइव हंड्रेड ओके जी अब इसके बाद में हमारे पास आता है तीसरा एस एच एस स्टैंडर्ड आर्ट्स निकालना बड़ा सिंपल है पांच सौ यूनिट कितनी देर में बनती हैं ये बताइए पांच सौ यूनिट एक हजार घंटे में बनती हैं यानी एक यूनिट बनाने में दो घंटे लगेंगे एक यूनिट बनाने में दो घंटे तो बताइए 700 यूनिट कितने घंटे में बननी चाहिए 1400 हंड्रेड आर्ट तो हमारे पास ये आ गया 1400 हंड्रेड आर्ट्स स्टैंडर्ड आवर्स के भी 700 यूनिट 1400 घंटे में बन जानी चाहिए मल्टीप्लाई पांच रुपए ये हो गया 7000 हजार अब जरा देखिए स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट को कंपेयर करोगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा तो एफिशिएंसी में हमारे पास आ गया 500 okay. की ,500 लगे हंड्रेड आपके, ओके सात हजार की जगह को फाइव हंड्रेड लगे आपके पास आएगा एक्सपेंडिचर तो 7500 और 6500 का डिफरेंस 1000 फेवरेबल हो गया आपके पास एक हजार का फायदा है एक्सपेंडिचर पे 500 का नुकसान है एफिशिएंसी पर और अगर एस एच एस आर और एच ए आर को कंपेयर पता नहीं इन्वर्टर का बटन कैसे बंद हो गया हाँ जी तो हमारे पास यहां पर आ गया अगर आपका चलता है ये यूनिट के बेसिस पर वेरिएबल ओवरहेड अगर आपके यूनिट के बेसिस पर चलते हैं तो आपका बड़ा सिंपल सा रहने वाला है कि वेरिएबल ओवरहेड आपके पास कॉस्ट वेरियंस सिर्फ सीधा सीधा निकलेगा ठीक है और अगर आपके पास में टाइम के बेसिस पर है तो हम वेरिएबल ओवरहेड को एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर दो तरीके से निकाल सकते हैं एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला रहेगा जो लेबर में रहता है एस एच एस आर और एच एस आर और एक्सपेंडिचर का ए एच एस आर और एच ए आर आ जाएगा ठीक है जी अब हमारे पास अगर हम वेरियबल ओवरहेड का देखें एक बार तो ये आ गया हमारे पास बीबीक्यू क्यू नाइनटी सेवन मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूं यहां पर द फॉलोइंग डेटा फॉर जी लिमिटेड इज गिवेन बिलो प्रोडक्शन इन यूनिट फोर हंड्रेड एंड थ्री सिक्सटी है और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड बता दिया स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्वेंटी आवर्स ये भी बता दिया एक यूनिट बनाने में बीस घंटे लगते हैं जबकि यहां से भी मिल जाएगा आपको एट थाउजेंड आर्स लगते हैं चार सौ यूनिट पर तो एक यूनिट बनाने में बीस घंटे हो गए ओके जी ठीक है अब जरा देखिए कह रहे हैं रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालो अगर आपको टाइम दिया गया है तो हम तीन वेरिएंस निकाल सकते हैं एक एक्सपेंडिचर एक एफिशिएंसी और तीसरा ओवरऑल वेरिएबल ओवरहेड अगर ये टाइम ना दिया होता मान लो और सिर्फ हमें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालना है तो एक मिनट का काम है चार यूनिट पर दस वेरिएबल ओवर हेड तो थ्री पर कितने होंगे तो दस के वेरिएबल ओवर हेड यूनिट पर है तो थ्री सिक्सटी पर कितने होंगे नहीं, 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 नहीं। एक मिनट क्या, क्ला, क्या क्लास वन मिनट क्या क्लास फिलर हो रही है ठीक है हाँ जी अब देखें अगर टाइम ना दिया हो तो बड़ा ही सिंपल है दस हजार रुपए चार सौ यूनिट पे लगते हैं तो तीन सौ साठ पर कितने लगेंगे दस हजार रुपए चार सौ पर तो तीन सौ साठ पर नौ हजार रुपए लगेंगे ये हो होगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल में कितने लगे नाइन वन फाइव जीरो पर एक ही निकलेगा और बड़ा सिंपल सा है दस हजार रुपए चार सौ पे लगते हैं तो थ्री सिक्सटी पे कितने लगेंगे जी नौ हजार लगे कितने नाइन वन फाइव जीरो तो एक सौ पचास एडवर्स आ गया अब वो अगर आपके पास आता है कि भाई टाइम के बेसिस पर निकालो टाइम वाले बेसिस पर तो टाइम वाले बेसिस पर हम कैसे निकालेंगे जरा ये देखिए मैं यहां पर आपको निकाल के दिखा रहा हूं इसी के ऊपर बना देता हूं मेरे को तीन चीजें चाहिए एस एच एस आर ए एच एस आर एंड ए एच ए आर ये तीन चीजों की मुझे जरूरत तो पड़ेगी यहां पर तो ए है नाइन वन फाइव जीरो ठीक है अब दूसरा मेरे को चाहिए ए तो ए एच दिए हुए सेवन थाउजेंड स्टैंडर्ड रेट चाहिए स्टैंडर्ड रेट बड़ा सिंपल है बजटेड ओवरहेड बजटेड आर्ट्स तो बजटेड ओवरहेड बजटेड आर्ट्स दस हजार रुपए वेरिएबल ओवरहेड है आठ हजार घंटे के तो वन पॉइंट टू फाइव हो गया वन मिनट ये आपके पास आई थिंक ब्लग कर रहा है वो हाँ जी देखेगा हाँ जी अब आना शुरू हो गया वो वाईफाई भी बंद हो गया था अभी जब इन्वर्टर बंद हुआ ना तो वाईफाई भी बंद हो गया इस चक्कर में हो गया वहीं से करवा रहा हूं जहां पे छोड़ा चिंता मत करो अब ठीक दिखाई दे रहे हैं नहीं ये बता दीजिए एक बार ठीक है अब जरा हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड का कंसेप्ट हो गया था अब मैं दोबारा से हाँ जी बीबी क्यू नाइनटी सेवन है प्रोडक्शन इन यूनिट्स हमारे को दिया हुआ है मैन आर्ट्स दिए हुए हैं आठ हजार और सात हजार और वेरिएबल ओवरहेड दस हजार और नाइन वन फाइव जीरो ठीक है अब हमारे पास जो अगर मैं यूनिट्स के बेसिस पे निकालता हूँ तो बड़ा सिंपल है आर्ट्स को मैं इसमें हटा देता यूनिट के बेसिस पे निकालता आपके लगे कितने ठीक है? तो है हमारे पास एक सौ पचास रुपए फालतू लग गए स्टैंडर्ड वेरिएवरहेड और ये हो गए वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अब मैं बात करता हूं कि अगर टाइम के बेसिस पे निकालें तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है एस एच एस आर जो कि हमारे स्टैंडर्ड वेरिएवर हैड है ए एच एस आर और तीसरा हमारे पास ए एच ए आर ए एच ए आर एक्चुअल वेरिएबल ओवर हैड है वो तो नाइन वन फाइव जीरो आ गया उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है अब हमारे पास आता है ए एच एस आर और एस एच एस आर तो हमारे पास जो एक्चुअल है वो सेवन थाउजेंड है अब स्टैंडर्ड रेट की बात आती है तो यहां से निकलेगा

तो हमारे, तो, तो हमारे पास आगे गए टू हंड्रेड आर्ट लगेंगे तो 7200 टू हंड्रेड इन टू वन पॉइंट टू फाइव नाइन थाउजेंड तो हमारे पास नाइन थाउजेंड एस एच एस आर और एट सेवन फाइव जीरो का डिफरेंस, डिफरेंस एक्सपेंडिचर ये तीन चीजें बस हमें चाहिए होती हैं और हमारे पास आ जाता है तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड वेरीवल आ जाएंगे और एक्चुअल में नाइन वन फाइव जीरो एडवर्स ठीक है जी अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो सात हजार घंटे थे जो हमारे पास और के वन पॉइंट टू फाइव से टू फिफ्टी हमारे पास फेवरेबल .25 आ जाएगा तो वेरियबल ओवर सिंपल है मेरे को नहीं लगता वेरिएबल ओवरहेड का कभी देगा क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड का क्वेश्चन देने का मतलब है, आप लोगों को फ्री के नंबर देने तो अगर ये आ गया मान लो पांच नंबर में तो ये फ्री के नंबर है एग्जाम में जनरली पूछा जाता है फिक्स्ड ओवरहेड क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन बताने के लिए ज्यादा देता है आपको अब जरा देखिए सेक्शन सी फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड भी दो तरीके से निकाले जा सकते हैं यूनिट्स के बेसिस पर और आपके टाइम के बेसिस पर तो यूनिट के बेसिस पर जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड हैं उसके कॉस्ट वेरियंस को हमारे पास दो पार्ट में बांटा जा सकता है एक वॉल्यूम और एक बजट तो जो हमारे पास बजट वेरिएंस है इसका वो सिंपली कहता है कि आपके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे और आपके एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगे तो बजट वेरिएंस इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी बोलते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास

और बजटेड फिक्स कितने हैं आपके पास ठीक है जी। तो रिकवर्ड तो कितने होंगे तो एक लाख रुपए दस हजार यूनिट पर हैं। ये हमारे हो गए दस रुपए पर यूनिट नाइन्टी फाइव हंड्रेड यूनिट पर हो गए पिचानवे हजार रिकवर्ड रिकवर्ड कैसे निकलेंगे एक लाख के फिक्स थाउजेंड यूनिट पर है तो नाइनटी फाइव हंड्रेड यूनिट पर नाइनटी आ गए माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने थे एक लाख रुपए तो आपके पास फाइव थाउजेंड एडवर्स आ गया वॉल्यूम वेरिएंस फिर आता है ओवरहेड ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बिल्कुल सिंपल है हमारे पास रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बेसिकली ये ओवरहेड चैप्टर की ओवर अंडर रिकवरी ही है ये हमारे पास रिकवर्ड एक्चुअल ओवरहेड ये अंडर ओवर रिकवरी ही बताता है तो रिकवर्ड है आपके पास में कितने तो का आपको नुकसान हो गया तो फिक्स अगर हम यूनिट्स के बेसिस पर निकालते हैं तो यूनिट के बेसिस पर हमें सिर्फ दो डेटा दिए होंगे ये यूनिट और फिक्स ओवर हैड और हमारे पास सिंपल सा रहेगा बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस रिकवर्ड और बजट का डिफरेंस वॉल्यूम और अगर हम रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का कंपैरिजन करते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड ओवरऑल वेरिएंस आ जाएगा यूनिट के बेसिस पर इसका क्वेश्चन भी साथ के साथ दिखाऊंगा मैं आपको ये हमारे पास आ गया बीबी क्यू नाइनटी एट ठीक है जी कह रहे हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री क्वेश्चन ने मांगा है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस तीन वेरिएंस मांगे हमसे ठीक है फिक्स्ड ओवरहेड हैड दस हजार और बारह हजार है यूनिट्स दो हजार और इक्कीस सौ है इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है हमें बाकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन ही हमें चाहिए होती है अब जरा देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड यहां पर लिख देता हूं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और यहां पर लिख देता हूं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगे हैं बारह हजार बजेड कितने दस हजार तो आपका एक्सपेंडिचर वेरियंस दो हजार रुपए में अब दूसरा हमारे पास हमें चाहिए रिकवर्ड तो रिकवर्ड कैसे निकलेंगे दो हजार यूनिट पर दस हजार रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड हैं, है तो पांच रुपए पर यूनिट रिकवरी रेट हो गया आपका आपने कितनी यूनिट बनाई है इक्कीसो इक्कीसौ यूनिट पांच रुपए का रिकवरी रेट है ग्यारह हजार रुपए हो गए तो रिकवर्ड हो गए आपके ग्यारह हजार ठीक है अब जरा देखिए रिकवर्ड और बजटेड का डिफरेंस रिकवर्ड और बजटेड का डिफरेंस वॉल्यूम वेरियंस कहलाता है तो यहां पर आपको एक हजार का फायदा है रिकवर्ड ग्यारह हजार बजटेड दस हजार तो एक हजार रुपए आपके पास मैंने गलत निकाला है क्या इक्कीस सौ मल्टीप्लाई बाई पांच अच्छा दस हजार पांच सौ यह आ गया दस हजार पांच सौ दस हजार पांच सौ हाँ जी तो दस हजार पांच सौ आपके पास आ गया और था 10. तो दस हजार पांच सौ और दस हजार पांच सौ रुपए आपके फेवर में चले जाएंगे वॉल्यूम वेरिएंस से तो वॉल्यूम वेरिएंस से फाइव हंड्रेड आपके फेवरेबल में फेवर में आ गए और आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड का ओवरऑल वेरिएंस निकालने तो रिकवर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस कर दो तो रिकवर्ड और एक्चुअल में दस हजार पांच सौ और बारह हजार पंद्रह सौ रुपए आपके पास एडवर्स आ गए कि दस हजार पांच सौ कीजिए बारह हजार लगे एडवर्स हो गया ये तो है यूनिट के बेसिस पर यूनिट के बेसिस पर हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड में तीन ही वेरियंस निकल सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड ओवरऑल कॉस्ट वेरियंस वॉल्यूम वेरियंट एंड एक्सपेंडिचर वेरियंट ठीक है इसके बाद में हमारे पास आता है फिक्स्ड ओवरहेड का मेजर पार्ट फिक्स्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन आर्ट्स टाइम के बेसिस पर तो बेस्ड ऑन आर्ट्स में हमारे पास फिक्सड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंट को हम लोग बांट सकते हैं एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम में क्या सर इतना तो यूनिट पर भी आता था बिल्कुल अब अगर आप टाइम के बेसिस पर निकालोगे तो वॉल्यूम को फर्दर हम एफिशियंसी कैपेसिटी और कैलेंडर वेरिएंस में बांट सकते हैं तो यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर फिर एफिशिएंसी कैपेसिटी और कैलेंडर में बढ़ सकता है वॉल्यूम अगर टाइम के बेसिस पर होगा तो अगर टाइम के बेसिस पर नहीं है तो हम सिर्फ यूनिट के बेसिस पर वॉल्यूम एक्सपेंडिचर और ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ही निकाल सकते हैं ये बड़ा सिंपल सा होता है अब यहां पर आपको डेटा क्या क्या, क्या मिलने वाला है डेटा में यहां पर आपके पास एक बजटेड डेटा होगा एक एक्चुअल डेटा होगा ठीक है यहां पर सबसे पहले आपको यूनिट्स दी जाएंगी तो जैसे दस हजार यूनिट और यहां पर ग्यारह हजार यूनिट ठीक है जी इसके बाद में यहां पर आपको दिए जाएंगे डेज और आर्स, डेज और आर्स। तो जैसे मान लीजिए फाइव थाउजेंड आर्स और पच्चीस दिन यहां पर आपको दे दिए चौबीस दिन और चौबीस दिन के हो गए 5000 हजार डिवाइड बाई पच्चीस तो चौबीस दिन के अड़तालीस सौ आपने यहाँ पर कर लिया मान लो फोर्टी नाइन हंड्रेड और यहाँ पर आपको फिक्स ओवरहेड दे दिए जाएंगे कि भाई यहाँ पर थे हमारे एक लाख रुपए और यहाँ पर खर्च हुए हैं एक लाख दो हजार रुपे. ठीक है इस तरह से आपको ये तीन चीजें मिल जाएंगी तो बजट और एक्चुअल दे देगा पहले हमारे पास सिर्फ यूनिट्स

जिसको आप बी एच एस आर लिख सकते हैं बी एच एस आर ये हमारे बजटेड फिक्स ओवर है ठीक है इसके साथ में हम लिखेंगे सी एच एस आर ए एच एस आर और एस एच एस आर ये जो एस एच एस आर है ये हमारे रिकवर्ड फिक्सड ओवर है तो पहले हमारे पास होते थे रिकवर्ड बजटेड और एक्चुअल ये तीन होते थे अब इनके साथ में दो पार्ट और बढ़ जाएंगे हमारे कोई बात नहीं यहां पर जो भी कैलकुलेशंस आने वाली हैं जो भी उनका मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं कि बेसिकली आंसर क्या आने वाला है यहां से यहां पर एक्सपेंडिचर वेरिएंस है जो बजटेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का है यहां से यहां पर जो आपके पास आने वाला है वो वॉल्यूम वेरिएंस है वॉल्यूम रिकवर्ड और बजटेड का फर्क है उसके बीच में वॉल्यूम का फर्दर क्लासिफिकेशन एफिशिएंसी कैपेसिटी और कैलेंडर में होने वाला है यानी वॉल्यूम के अंदर तीन चीजें बढ़ रही हैं तो वॉल्यूम के अंदर कैलेंडर कैपेसिटी और एफिशिएंसी आ जाएगी वरना मेजर फॉर्मुले वही है आपके सामने एक लाख दो हजार लोजी एक लाख दो हजार आ गए इसके बाद में बजटेड आपके सामने है एक लाख रुपए लोजी बजेटेड भी आ गए अब हमारे पास मेरे को चाहिए एक तो एस सबसे पहले एस आर वाला सिंपल होता है बजटेड ओवरहेड बजटेड आर्ट्स तो बजटेड ओवरहेड बजटेड आर्ट्स को कंपेयर करिए एक लाख डिवाइड बाई पांच हजार इसका मतलब बीस रुपए पर आर का रेट है बजटेड तो ये हमारा स्टैंडर्ड रेट आ गया बीस रुपए बीस रुपए बीस रुपए यहां पर हमें कुछ नहीं दिखाना यहां सीधा सीधा आ जाएगा कि बजटेड एक लाख है और हमारे एक्चुअल आपके एक लाख दो हजार है ठीक है अब हमारे पास जो कैलेंडर आर्ट्स हैं वो बड़ा सिंपल सा रहता है कैलेंडर आर्ट्स कहता है कि आपके पास 25 दिन में 5000 घंटे थे तो 24 दिन में कितने घंटे होंगे 5000 घंटे थे 25 दिन में तो 24 दिन में कितने घंटे होंगे 4800 आवर्स तो ये कहता है कैलेंडर आर्ट्स हमारे 4800 आवर्स हो गए, ठीक है जी तो 4800 20 96000 इसका आंसर आ गया इसके बाद में एक्चुअल आर्ट्स आपको क्वेश्चन में गिविन होते हैं फोर्टी हंड्रेड एक्चुअल आर्ट्स हमारे पास आ गए फोर्टी नाइन हंड्रेड नाइनटी एट थाउजेंड और फिर आपके पास आते हैं स्टैंडर्ड आर्ट्स स्टैंडर्ड आर्ट्स आएंगे एक्चुअल आउटपुट पर तो आपकी दस हजार यूनिट बनी है पांच हजार घंटे में पांच घंटे में दस यूनिट बनी है तो ग्यारह यूनिट कितने घंटे में बनेंगी पांच हजार डिवाइड बाई दस हजार मल्टीप्लाई बाई ग्यारह हजार फिफ्टी फाइव हंड्रेड आर्स में आपकी ग्यारह हजार यूनिट बननी चाहिए यह है हमारा स्टैंडर्ड टाइम तो फिफ्टी फाइव हंड्रेड आर्स ये फिफ्टी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई ट्वेंटी ये हो गया एक लाख दस हजार ओके तो अब यहां पर एक लाख दस हजार और अट्ठानवे हजार का फर्क बारह हजार रुपए का आपको फायदा हुआ है एक दस की जगह अट्ठानवे लगे हैं ये आपका फेवरेबल हो गया क्या हमें इसमें फायदा है ठीक है, का है। तो, तो बारह हजार का फायदा दो हजार का फायदा फोर्टीन थाउजेंड फोर थाउजेंड का है, दस हजार का ओवरऑल फायदा ही है आप एक दस से सीधे एक लाख को भी कंपेयर कर सकते हैं वॉल्यूम वेरियंस दस आ जाएगा फिर एक्सपेंडिचर में दो का एडवर्स है अब दस हजार का फायदा वॉल्यूम पर एक्सपेंडिचर पे दो हजार का नुकसान आठ हजार रुपए आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा फेवरेबल आप सीधे रिकवर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं एक दस रिकवर है एक लाख दो हजार लगे आठ हजार हमारे पास फेवरेबल आ गया तो ये आता है टाइम के बेसिस पर है बहुत सिंपल ये इसके अंदर आपको करना क्या क्या होता है एक तो आपको निकालने पड़ेंगे इसके अंदर एसे एसे कैसे निकलेंगे यूनिट्स और टाइम बजटेड कितना था और एक्चुअल यूनिट पे कितना टाइम लगेगा तो दस हजार यूनिट पांच हजार घंटे में बनती हैं तो ग्यारह हजार ही आपके पास स्टैंडर्ड रेट निकल जाएगा कि एक लाख रुपए का खर्चा पांच हजार घंटे पे तो एक घंटे का खर्चा बीस रुपए है फिर आपको एक सी एच निकालने पड़ेंगे सीएच के लिए बड़ा सिंपल सा है डेट दिए होंगे आपको पच्चीस दिन में पांच हजार घंटे तो चौबीस दिन में कितने घंटे दैट्स इट इसके अलावा कुछ नहीं निकालना बस टेबल रखिए और सारे के सारे वेरियंट निकलकर आ जाएंगे ये देखिएगा हमारे पास ये आ गया बीक्यू बीबीक्यू नाइनटी नाइन एबी लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग डेटा नंबर ऑफ वर्किंग इंडेज दे, दे दिए पच्चीस और सत्ताईस प्रोडक्शन इन यूनिट बीस हजार और बाईस हजार ठीक है फिक्स्ड ओवरहेड है तीस हजार और इकतीस हजार ठीक है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट एक रुपया पर आर है तो स्टैंडर्ड रेट इन्होंने खुद बता दिया एक रुपया पर आर है एक्चुअल हमारे एक्चुअल आर्ट है ओके अब क्वेश्चन आपसे सारे वेरियंस मांग रहा है तो इसमें देखिए यहां पर हम इसके ऊपर बना देते हैं टेबल एस एच एस आर ए एच एस आर सी एच एस आर बी एच एस आर ए एच ए आर ए एच ए आर का मतलब है एक्चुअल फिक्स्ड ओवर है लो जी इकतीस हजार आ गए बी एच एस आर का मतलब फिक्स्ड ओवर है लो जी तीस हजार आ गए ओके अब मुझे निकालना है सी एच ठीक है अब देखिए क्वेश्चन ने हमें एक बात बताई है कि फिक्स्ड ओवरहेड का रेट एक रुपए पर रहा है तो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकलता कैसे फिक्सड ओवरहेड का रेट है एक रुपए पर आर जो निकलता है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड आर से ठीक है बजटेड ओवरहेड हमें मालूम है तीस हजार रुपए है बजटेड आर्ट सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन में इसका मतलब आपके बजटेड आर्ट्स भी थर्टी थाउजेंड ही रहे होंगे इस क्वेश्चन में बजटेड आर्ट्स नहीं दिए हुए तो बजटेड आर्ट्स तीस ही आपके रहे होंगे एक रुपए से आपका खर्चा तीस हजार रुपए आ रहा है ठीक है जी। सर बजटेड बजटेड, की जरूरत क्या है? कैलेंडर कैलेंडर के के? के, के लिए, वरना नहीं निकलेंगे। अब हमारे पास हैं कितने कितने दिन के? 25 दिन के. तो 27 दिन के कितने 25 27, तो होंगे? एक्चुअल क्वेश्चन में दिए गए है, 31, है। आ गया 31, तो हैं थर्टी वन फाइव हंड्रेड है सिर्फ सी एच निकालने बनाई है बाईस हजार बीस हजार यूनिट बनती है तीस हजार घंटे में तीस हजार घंटे में बनती है बीस हजार यूनिट तो बाईस हजार यूनिट कितने घंटे में बनेंगी तो हमारे पास तीस हजार डिवाइडेड बाई हजार मल्टीप्लाई बाई बाईस हजार थर्टी थ्री थाउजेंड आपके पास यहां पर आ गए तो थर्टी थ्री थाउजेंड एक रुपए का रेट थर्टी थ्री थाउजेंड निकल कर आ गया अब हमारे पास एस एच एस आर आ गया ए एच एस आर आ गया सी एच एस आर आ गया बी एच एस आर आ गया ए एच ए आर आ गया एस एच एस आर एस एच एस आर को एच एस आर से कंपेयर करोगे एफिशियंसी एच को सी से कंपेयर करोगे कैपेसिटी सी को बी से कंपेयर करोगे कैलेंडर बी को एच से कंपेयर करोगे एक्सपेंडिचर आ जाएगा अगर आप एस को सीधे बी से कंपेयर करोगे वॉल्यूम आ जाएगा और एस को एच से कंपेयर करोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फिक्सडर निकलकर आ जाएगा इसका एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है बीबी 100 ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर क्वेश्चन ने वेरिएबल ओवरहेड की एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर मांगा है तो एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर चाहिए तो हमें वेरिएबल ओवरहेड के लिए ठीक है जी और फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी और कैपेसिटी मांगी है तो फिक्स्ड ओवरहेड की अगर आपको एफिशिएंसी और कैपेसिटी चाहिए तो फिक्स्ड ओवरहेड में एस एच एस आर एच एस आर और कैलेंडर दिया हो तो कैलेंडर बनना बी एच एस आर की जरूरत पड़ेगी ये तीन तीन चीजें हमें इसमें चाहिए तो चार रेशो मांगे चार वेरियंट आठ से दस नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है क्वेश्चन ने बोला है कि आपको क्वेश्चन टाइम के बेसिस पे निकालना है ठीक है जी अब जरा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर गेन क्या है क्वेश्चन ने ऊपर स्टैंडर्ड ओवर रेट पर यूनिट यूनिट में दिया हुआ है

फिक्स के तो एक्चुअल की जरूरत ही नहीं है हमें सिर्फ बी एच एस आर तक जाना है ए एच ए आर नहीं चाहिए एक्चुअल आर सेवेंटी फोर थाउजेंड है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें दी हुई हैं यहां पर बोला है स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट बीस रुपए एक यूनिट पर बीस रुपए हम ओवरहेड के लेते हैं और एक घंटे के हम चार रुपए लेते हैं तो बीस रुपए एक यूनिट पर एक घंटे के चार रुपए इसका मतलब ये यूनिट पांच घंटे में बन रही होगी बेसिकली हुआ क्या होगा पांच घंटे में यूनिट बनेगी रिकवरी रेट है चार रुपए से एट द रेट ऑफ रुपीज फोर और एक यूनिट पर बीस रुपए रिकवर होंगे ये ऐसे आ रहा होगा तो इसका मतलब एक यूनिट पांच घंटे में बनती है ये हमारे पास बात निकल कर आ गई ठीक है अब ये देखिए बजटेड प्रोडक्शन कितना था बारह हजार यूनिट एक यूनिट बनने में पांच घंटे लगते हैं

हमारे को जरूरत थी ए एच ए आर वेरिएबल ओवर हेड की वो टू थर्टी टू फाइव हंड्रेड आ गया हमें जरूरत थी ए एच एस आर हेड की ए एच आ चुके हैं एस एच एस आर एस एच आ चुके हैं फिर हमें एस एच एस आर ओवर हेड का भी चाहिए और ए एच एस आर एस आर ओवर हेड का भी चाहिए तो हमारे पास सिर्फ अब एक चीज गायब है वेरिएबल और फिक्स ओवर हेड का स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर क्वेश्चन ने जो स्टैंडर्ड रेट पर आर दिया है चार रुपए ये स्टैंडर्ड रेट पर आर वेरिएबल का है या फिक्स का है ये नहीं बताया बेसिकली दोनों का जोड़ कर दिया है ये वेरिएबल और फिक्स दोनों का जोड़ कर दिया गया है ठीक है अब क्वेश्चन ने यहां पर नीचे फ्लेक्सिबल बजट दे दिया फ्लेक्सिबल बजट बता दिया कि प्रोडक्शन इन यूनिट इतना है और टोटल ओवरहेड इतना है ठीक है अब ये जो यूनिट्स दी हुई हैं पहले हम इनको टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं एक यूनिट पांच घंटे में बनती है तो ये हो गए चालीस हजार घंटे और ये हो गए पचास हजार घंटे क्योंकि क्वेश्चन हमें करना है घंटों पर ठीक है तो चालीस हजार घंटे पचास हजार घंटे हो गए हमारे को फ्लेक्सिबल बजट में दो लेवल्स की जरूरत होती है तीसरे लेवल की हमें जरूरत ही नहीं है तो एक चालीस हजार घंटे एक पचास हजार घंटे और नीचे टोटल ओवरहेड दे दिए इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है तो वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड को अलग करने का तरीका क्या होता है डिफरेंस इन कॉस्ट डिफरेंस इन टाइम या डिफरेंस इन यूनिट तो हम इसमें से वेरिएबल अलग कर लेंगे डिफरेंस इन ओवरहेड डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन आरस तो एक घंटे के वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे तो एक लाख अस्सी हजार और दो लाख दस हजार फर्क कितना है तीस हजार रुपए का ऊपर घंटे चालीस हजार और पचास हजार घंटों का फर्क कितना है दस हजार तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड तीन रुपए पर आर कर आ गया तो एक घंटे का वेरिएबल ओवरहेड हैड तीन रुपए यहां पर एक घंटे का रेट दिया हुआ है चार रुपए जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है तो बताइए वेरिएबल के हो गए तीन तो फिक्स का रेट हो गया एक रुपया तो यहां पे वेरिएबल का स्टैंडर्ड रेट थ्री और फिक्स का स्टैंडर्ड रेट वन रुपया जाएगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो इसमें फ्लेक्सिबल बजट से आपको टाइम निकालना था यह इसके अंदर इंपॉर्टेंट था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे वेरियंट ए टू जेड हमारे हो चुके हैं एक बजट्री कंट्रोल चैप्टर में रेशो दिए गए हैं तो रेशो के ऊपर एक ही क्वेश्चन दिया गया है तो ये क्वेश्चन आपको एक बार देखना है इसमें से दो तीन रेशो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है तो रेशो इन्होंने यहां पर पूछे एफिशियंसी एक्टिविटी कैलेंडर स्टैंडर्ड कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी और एक्चुअल यूसेज ये ये छह छह आपको याद करके जाने पड़ेंगे एग्जाम में रेशो बड़े सिंपल है एफिशियंसी रेशो कहता है स्टैंडर्ड आर्ट्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल आर्ट्स एक्टिविटी रेशो कहता है आपके पास स्टैंडर्ड आर्ट्स डिवाइडेड बाई बजटेड आर्स तो यहां पर ये एसएच डिवाइड बाय एएच एसआई डिवाइड बाय बीएच कैलेंडर के अंदर बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास वर्किंग डेज अवेलेबल कितने और बजट में कितने थे जैसे बजट में 20 दिन थे और आपके पास एक्चुअल में 19 दिन है तो सिर्फ ये बताना होता है कि दिन ज्यादा मिले हैं कम मिले एच पर कैलेंडर तो ये कैलेंडर रेशियो कहलाता है इसके बाद में कैपेसिटी यूसेज है कैपेसिटी यूसेज कैपेसिटी यूसेज तो एक है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज और एक है एक्चुअल तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज में हम बजटेड आर्ट्स को मैक्सिमम पॉसिबल आर्ट से कंपेयर करते हैं और एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज में एक्चुअल आर्ट को मैक्सिमम कैपेसिटी से यूज करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल से तो अगर स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल आर्ट्स को बजटेड आर्ट से कंपेयर करना है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल आर्ट्स को एक्चुअल आर्ट से कंपेयर करना होगा और फिर आता है बजटेड कैपेसिटी रेशो एक्चुअल उसमें हमारे पास AH और जाते हैं। एक दो घंटे पहले देख जाना इसमें से एक आध है दो तीन नंबर दे है ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा खत्म जिसमें हमने ए टू जेड सारे के सारे वेरियंट डिस्कस कर लिए हर तरीके के दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी देख लिए अलग अलग एडजस्टमेंट के साथ ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम खत्म ये सेशन जो है बीच में इंटरनेट वगैरह की वजह से थोड़ा सा हो गया है लेंदी तो अब इसके साथ में दूसरा सेशन कंप्लीट कर पाना मार्जिनल का पॉसिबल नहीं है तो मार्जिनल हम इवनिंग में करेंगे छह बजे यहां पर अगर किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे टाटा वाई बाय करेंगे अब आपको करना क्या है शाम तक तीन चार दिन में पूरी कोस्टिंग खत्म होने वाली है यहाँ पर बूस्टर में तो यहां पर अब आपको करना क्या है जो मैंने बूस्टर का करवाया है इसके क्वेश्चंस देख लेना या तो रफ में कर लो या राइटिंग में कर लो कंसेप्ट पूरा इसमें चली रहा है और इसके क्वेश्चन करने के बाद में आपके जो एडिशनल क्वेश्चन तीन से चार दिन, को दे दो, चार दिन में हां किसी का कोई पॉइंट है तो बता दीजिए सब कुछ क्लियर है तो हम लोग मिलेंगे अब इवनिंग में इवनिंग में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे और थोड़ा टाइम और बचेगा तो प्रोसेस भी साथ में हम करने की कोशिश करेंगे टाइम कम बचेगा तो कोई छोटा चैप्टर साथ के साथ करेंगे तो टाइम के हिसाब से चैप्टर्स को करते जाएंगे यहां चैप्टर आप पहले से चैप्टर करके बताइएगा यहां पे कुछ भी चल रहा है आप यहां पे जो चैप्टर चल रहा है उसको करिए साथ के साथ आपका निपटता रहेगा ठीक है तो हम लोग अब इवनिंग में देखते हैं आ, मार्जिनल साथ में प्रोसेस या एबीसी कोई भी एक चीज लेंगे आप लोग यहां पर जो चल रहा है वो करते रहिए मैं उसका टाइम फ्रेम बनाकर और भेज दूंगा और टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिएगा सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे तो टेलीग्राम चैनल है सी एन अमित अरोड़ा के नाम से वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएंगे बूस्टर के भी और जो भी वहां पर अपडेट होता है वो सारा अपडेट हमारा टेलीग्राम पर आता रहेगा बच्चा कह रहे बच्चे सगर, सर अगर मैं ये क्वेश्चन ही करके चलाया जाता हूं तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं देखो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ये पॉइंट नहीं है मेरा पॉइंट ये है कि मैंने तो सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाल दिए हैं हमारे पास 120 के आसपास क्वेश्चन है 120 प्लस हैं आप लोग अपनी तरफ से अगर आपको लगता है कि कोई दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पे भी आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो उसको आप कर लेना मेरा ये अपडेट नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पे आप कनेक्टेड रहिएगा वहीं पर आपको सारी चीजें मिलती रहेंगे तो हम लोग मिलेंगे इवनिंग में और टेलीग्राम पे मैं पोस्ट डाल दूंगा कि कब कौन सा सेशन चल रहा है डेली दस बजे और छह बजे चलेगा चार दिन में खत्म हो जाएगा ये पूरा कोर्स आज पहला दिन चल रहा है ओके जी सभी को टाटा बाय बाय